बिहार की नवादा की हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर कलाकारों को सम्मान दिया गया, वो सम्मान पूजा पंडाल में दिया गया। बॉलीवुड के जो कलाकार है, पहले हम आपको दिखाएंगे ये पूजा पंडाल, ये पूरी तरह गिटार बनाया गया, तस्वीर देखिए गिटार बनाया गया। और ये पंडाल के अंदर जो है हम आपको ये दिखाएंगे कि माता का नौ रूप जो है वो मूर्ति यहाँ पर बैठाया गया है। और यहाँ पर जो ये रोड बना जाता है तो पूरी तरह संगीतमय ये रोड रहता है, नवादा का स्टेशन रोड है। और फिर हम आपको दिखाएंगे, इसलिए बोल रहे थे देखिए तस्वीर लगाए एक एक करके, सबसे पहले यहाँ मुकेश जी, उसके बाद राज कपूर, लता मंगेशकर, गुलशन कुमार और फिर किशोर कुमार और उसके बाद आशा भोसले, मतलब इन लोगों की तस्वीर लगाकर या क्या कुछ दिखाना चाहते हैं इनसे जानेंगे। आखिर इनकी तस्वीर ये क्यों लगाए थे, आखिर वजह? इनकी तस्वीर एक बहाना है बाकी बिछड़ों को मिलाना है, इसलिए कि ये स्टेशन रोड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के मामले में सुप्रसिद्ध है। तो ये मानते थे जो भोजपुरी कलाकार है वो अश्लील फैलाते, भोजपुरी कलाकार के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई जगह नहीं है, जो विश्वसनीय है, जो अमर हैं, उन्हीं को याद किया जाता है। ये सम्मान कलाकारों को आप लोग क्यों दे रहे हैं? ये सम्मान हम लोग जो कलाकार हैं, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और जो सम्मान की बात है तो स्टेशन रोड में आज से नहीं, लगभग 50 दशकों से ये जो संगीतमय जो एक परंपरा है वो चलती आ रही है, तो उसी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इस बार हमारा जो पंडाल है उसको भी गिटार का रूप दिया। और हमारे जो पुराने कलाकार हैं उनको हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। जी स्टेशन रोड बता दे कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम किया जाता है और यहाँ पर बॉलीवुड के जो कलाकार है उनको सम्मान दिया गया। देखिए पंडाल में एंट्री जब करते तो पंडाल के अंदर इन तमाम कलाकारों को रखा गया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो भी भक्ति गाना बजाया जाता है, इन कलाकारों के द्वारा जो गाना गाया गया, जो संगीत इन लोगों ने गाया है उसी गाना का यह बनाया, तो साफ है कि नवादा में एक बड़ा पैगाम भी दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम है। और स्टेशन रोड की दुर्गा पूजा समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा एक बेहतर तैयारी भी की गई है। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन सिन्हा।